सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो आप एक प्राइवेट जो अपना व्हाट्सअप होता है, जिस पे पर्सनल होता है, जो आपके फ्रेंड या फिर कॉलेज या फिर रिलेटिव को मतलब आप शेयर किए होते हो, बट कोई अगर बिजनेस से पर्पज़ से या फिर कोई और पर्पज़ से अगर जब आप एक व्हाट्सअप यूज़ करते हो तो आप GB व्हाट्सअप या फिर GB+ व्हाट्सअप यूज़ करते हो, ठीक है, जो कि वो एक थर्ड पार्टी ऐप है और आप उसको वो थर्ड पार्टी ऐप है और उससे डाटा लीक भी हो जाता है, जैसे कि आपको पता ही होगा और आप कहीं सुने भी होंगे, कई बार ऐसा न्यूज़ भी आता है। तो फ्रेंड्स, जो ओरिजिनल व्हाट्सअप होता है उसी को एक सेकेंड व्हाट्सअप में कन्वर्ट करके अगर मैं आपको बताऊँ तो कैसा रहेगा। सो फ्रेंड्स, बहुत पता करने के बाद से मैं एक और व्हाट्सअप लाया हूँ जो कि बिल्कुल वही व्हाट्सअप होगा, उसका क्लोन्ड वर्जन, ठीक है। आपके फ़ोन में एक फ़ीचर होता है जिसका नाम है क्लोन, ठीक है, जो कि अभी हम अपने फ़ोन के सेटिंग में ले जाके आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि वो मतलब कैसे क्लोनिंग करते हैं और कैसे उसी नंबर से जो ओरिजिनल व्हाट्सअप होता है उस पर आप मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से दूसरे नंबर से, ठीक है, और उसी सेम व्हाट्सअप पे, ठीक है, एक और व्हाट्सअप 1 हो जाएगा, व्हाट्सअप 2 हो जाएगा, ठीक है, और व्हाट्सअप 1 पे ओरिजिनल ऐसा रहेगा और व्हाट्सअप क्लोन पे ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, जो कि आपको कोई और ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, GB व्हाट्सअप या फिर एक और व्हाट्सअप बिल्कुल इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, एक ही व्हाट्सअप से आपका 2 नंबर चलेगा, ठीक है, जो कि मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा और आप बहुत ही ईजिली उससे यूज़ कर सकते हैं और वो भी इंड टू इंड इनक्रिप्टेड होगा। तो चलिए अपने फ़ोन के होम स्क्रीन चलते हैं और पूरी डिटेल बताते हैं कि कैसे उसको क्लोन करना है और कैसे उसको यूज़ करना है, ठीक है। तो आप उसको यूज़ करके काफ़ी मतलब खुश हो जाएंगे क्योंकि आपको एक्स्ट्रा ऐप्स इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं होगी व्हाट्सअप से रिलेटेड, ठीक है। तो आप चलते हैं फ़ोन के होम स्क्रीन पे और आपको पूरी डिटेल बताते हैं कि कैसे व्हाट्सअप को क्लोन करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अपने फ़ोन के होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। अब आप चलते हैं और आपको शो करते हैं कहाँ पे होता है व्हाट्सअप क्लोन या फिर कोई भी ऐप का आप मतलब डुप्लीकेट कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको चलना होगा सेटिंग में और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, आपको टाइप करना होगा क्लोन, ठीक है, जो आपका स्मार्टफोन है उसी के सेटिंग में जाके यहाँ पे टाइप करना है क्लोन। तो आप देख सकते हैं 2 सेटिंग आ गया, एक सिस्टम क्लोनर, एक आ गया ऐप क्लोनर। सिस्टम क्लोनर के बारे में किसी और दिन बताएंगे, अगर आप कमेंट करते हैं तो इसके बारे में बता देंगे। आपका फ़ोन जो है एक ही फ़ोन है लेकिन आप इसमें 2 फ़ोन यूज़ कर पाओगे, ठीक है, और ये बहुत ही मस्त फीचर कहने जा रहे थे। तो आज बताने वाले हैं ऐप क्लोनर, ठीक है। बेसिकली जो आपके मोबाइल में ऐप है उसको डबल कैसे कर सकते हैं, मतलब उसका डुप्लीकेट कॉपी कैसे बना सकते हैं, तो आज हम व्हाट्सअप को बना के दिखाएंगे। तो ऐप क्लोनर पे मैं क्लिक कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं व्हाट्सअप का अपने फ़ोन में क्लोन कर दिया हूँ, ठीक है, और वो आपको दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैं एक टेलीग्राम का भी क्लोन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैं ऑन कर दिया और यहाँ पे देखिए व्हाट्सअप का ऑन है क्लोन, ठीक है। तो अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा ओरिजिनल व्हाट्सअप है ये वाला, ठीक, और यहाँ पे है व्हाट्सअप क्लोन जो कि सेम व्हाट्सअप है, ठीक है, इसमें वो कोई GB वाला फंक्शन नहीं है, बिल्कुल सेम पहले की तरह जो होता है वो वाला ऐप है, ठीक है, ओरिजिनल व्हाट्सअप। सो फ्रेंड्स, यही है इस मतलब इसका फ़ायदा यही है कि आप मतलब एक व्हाट्सअप से 2 नंबर चला सकते हैं। तो अभी मैंने टेलीग्राम को 2 किया था, देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल टेलीग्राम है और इसका डुप्लीकेट कॉपी टेलीग्राम है, ठीक है। तो आप मतलब एक टेलीग्राम से 2 नंबर यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा कुछ है क्लोन करने का मतलब। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पहली बार आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और एंड्रॉयड टिप्स वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।